तो चलिए आज मैं आप लोग के सामने स्नैक्स शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं दाल की पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर चना दाल और केराव को दाल के 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद यह इस तरह से मिक्सर में पीस लिया। मैं आई हूँ तब तक मेरी बहन दाल पीस ली थी, तो चलिए इसमें क्या क्या रख रही है मैं दिखा रही हूँ। तो ये 1 कप दाल के फुला कर पीसी है। तो इसमें बड़ा साइज का 2 ठो प्याज है, हरा मिर्च 3-4 ठो और 1 मुट्ठी हरा धनिया काट करके इसमें दाल में डाल दिया। तो चलिए अब मैं इसमें मसाला को ऐड कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 1/2 चम्मच यहाँ जीरा पाउडर डाल दी, उसके बाद 1/2 चम्मच है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, उसके बाद ना धनिया पाउडर आपको यहाँ पर 1 चम्मच डाली है। इससे मिर्च मसाला आप लोग अपना अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल दी है 1/2 चम्मच से। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड की हूँ, अगर आप लोग को इच्छा हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 ठो हरा मिर्च काट कर डाली हूँ। उसके बाद 1/2 चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच यहाँ पर मगरैला और यहाँ पर 1/2 चम्मच ना कच्चा जीरा भी यहाँ पर ऐड की है। वैसे नहीं, यहाँ दाल और प्याज के पकौड़े में बहुत ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता है, नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ गैस जला लेते, उसके बाद सबसे पहले इस पर कराह को डाल देते ताकि कराह गर्म हो जाए। चलिए कराह यहाँ गर्म हो चुका, अब मैं इसमें सरसों तेल को ऐड कर देती हूँ। क्या है कि पकौड़ा ना सरसों तेल में ही अच्छा होता है। तो चलिए तेल जब तक गर्म होता है तब तक प्याज दाल और मिर्च मसाला और नमक जितने चीज़ मैं इसमें डाली सबको अच्छा से थोड़ा सा 2-3 मिनट जितना फेंट लेती हूँ। हाँ, इसमें मैं एक बात कहना भूल गई, इसमें थोड़ा सा ना 2-3 चम्मच जितना साबुत दाल भी डालिए, सो मैं कहना भूल गई हूँ। काहे कि मैं आए तब तक मेरी बहन पीस ली थी। काहे कि अभी मैं ना यहाँ पर मेरी छोटी बहन के घर में यहाँ फिजियोथेरेपी होता है, तो मैं डेली आती हूँ अपना कंधा दिखाने के लिए। तो मैं नीचे जब तक फिजियोथेरेपी करवा रही थी तब तक ये सारे पकौड़ा का तैयारी कर ली थी, इसीलिए 1-2 ठो स्टेप छूट गया है। काहे कि मैं आई तब तक दाल मिक्सर में पीस ली थी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो देखिए तेल से धुआं निकल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डालकर देखिए, जब पकौड़ा ऊपर आ जाए इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। तो चलिए अब सारे पकौड़ा को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा करके ही डालिएगा, बहुत पतला ना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा ही अच्छा होता है पकौड़ा। तो पकौड़ा तलते समय ना गैस को ना लो टू मीडियम ही रखिएगा, काहे कि ना हाई पर ना पकौड़ा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाता है। इसलिए जब भी पकौड़ा बनाइएगा तो थोड़ा सा मोटा मोटा बनाइएगा और लो टू मीडियम, जब ज़्यादा तेल लगे गर्म है तो मिनिमम कर दीजिएगा, उसके बाद लो टू मीडियम पर पकौड़ा को अच्छा से तलिएगा। तो यहाँ पर 1.5-2 मिनट के बाद देखिए सारे पकौड़ा को इस तरह से हम पलट लेते हैं। तो पलटने के बाद फिर 1-1.5 मिनट के बाद फिर हम पलटा कर देखेंगे, तो इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसका मतलब पकौड़ा पक चुका है। तो इधर पकौड़ा भी बना रही है, इधर देखिए ग्रीन टी भी बना ली है। तो देखिए वो लोग अपना लिए बड़ा कप में बनाई है, हमको छोटा कप में दी है, क्या कि मेरी बहन दूध का चाय नहीं पीती है। तो देखिए पकौड़ा का कितना सुंदर कलर आया है। तो अब मेरा पकौड़ा देखिए उलटते पुलटते अच्छा से फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सारे पकौड़ा को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 बैच पकौड़ा बनाने में 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो लो टू मीडियम पर पकौड़ा जब भी तलिएगा तो पकौड़ा खास्ता होगा, अंदर तक पकेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए पकौड़ा को निकाल लेती हूँ। तो पकौड़ा निकालने के लिए ना आप लोग सूखा प्लेट को यूज़ कीजिएगा। देखिए मेरा प्लेट एकदम सूखा था, तो यहाँ पर मैं सारे पकौड़ा को पहले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो थोड़ा सा तेल मैं और ऐड की हूँ। उसके बाद अब मैं 2nd बैच को भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जितना तेल में आ जाए उतना मैं इसमें डाल देती हूँ। तो हम लोग एक के बार बहुत तेल नहीं रखते, काहे कि जला तेल ना हम लोग दोबारा यूज नहीं करते, जितना हो उतना ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैं कम कम करके डाली हूँ। तो चलिए सारे पकौड़ा को फिर इस तरह से पलटा करके पका रही है। क्या पी रही हो बेबी? ग्रीन टी। ये दूध का चाय नहीं पीती है, हम तो पीते हैं। तो बोलती कि हम ग्रीन टी पीते हैं, हम दूध का पीते हैं। तो बोलते तो भी थोड़ा सा दीदी आप पी कर देखिए क्या करे, पी लेते हैं। इधर पकौड़ी बनता है, बोलते कि दूध का पकौड़ा के साथ खाइएगा, तब तक ग्रीन टी आप पीजिए। चलो तो देखिए इस तरह से उल्टाते पलटाते आपको पकौड़ा अच्छा से लाल होने तक, 2nd बैच भी मेरा पक चुका है तो इसको भी हम निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से सारे पकौड़ा को यहाँ पर अच्छा से फ्राई करके यहाँ निकाल लेते हैं। उसके बाद मेरी बहन पकौड़ा बना रही है, बोलती दीदी हमको तो भूख लग गया, हम कहे ठीक है जाओ सबसे पहले तुम खा लो, कहें कि शाम भी हो गया था, हमको तो थोड़ा थेरेपी में टाइम लग जाता है ना। तो देखिए उसके बाद वो चली गई है खाने, तो मेरा तो बाँह दर्द करता है, तो मैं बोली कि तुम इस कड़ाह में डाल दो, तब तक मैं निकालती हूँ, तब तक तुम जाकर खाओ। तो देखिए लास्ट मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद मेरी बहन चली गई है खाने। तो चलिए अब सारा पकौड़ा पक चुका है, तो मैं लास्ट बैच निकाल रही हूँ। तो चलिए मैं अपनी बहन से पूछती हूँ उसका रिएक्शन कैसा कैसा पकौड़ा बना है।
कैसा बना? टेस्टी बना है? बहुत टेस्टी। टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप भी खाइए। देखिए मेरी बहन कहती है बहुत टेस्टी बना है, गरम गरम आप खा लीजिए। तो देखिए एंजल स्कूल की मैडम है, मेरी बहन के बगल में रहती है। देखिए चिकू चिकू मैडम के साथ। तो चलिए आप लोग के लिए यहाँ पर मैं प्लेट लगा देती हूँ, मुरही और ये प्याज हरा मिर्च और ये दाल और प्याज का पकौड़ा। तो आइए पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम और मैडम खाएंगे। यहाँ पर शाम हो गया तो मेरी बहन पहले सांस दिखा लेती है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैडम पकौड़ा देखकर बहुत खुश है, कहती कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने से। तो हम कही पहले खा कर तो बताइए कैसा बना है, आप देखने से ही कहते कि बहुत टेस्टी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ स्नैक्स का एंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को स्नैक्स का, लंच का, डिनर का वीडियो मेरा पसंद है तो जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जाकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँचे। तो ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय।